या फिर आंकड़ों की कोई बाजी गिरी है। लेकिन इससे पहले, चूंकि माहौल चुनावी है तो यह कानून व्यवस्था चुनावी मुद्दा भी बड़ा है। कुछ दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राज्य सरकार पर निशाना साधा था और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। तो वहीं मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने बिंदुवार गहलोत के हर सवाल का जवाब दिया। आपको दिखाते हैं बीजेपी और कांग्रेस की ये तीखी तकरार। घटनाएं जो रेप की हो रही है के बाद एक उसका एक रिकॉर्ड बन गया है प्रदेश के अंदर। ऐसी घटनाएं आज तक कभी भी सुनने को नहीं मिली। इक्का दुक्का घटना तो कभी होती रहती है राज्यों में भी कई जगहों पर। इस बार जो छोटी बच्चियों के साथ में जो रेप हुए हैं लगातार, डकैती के साथ में रेप हुआ, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, वो घटना कोई भूल नहीं सकता। 6 साल की बच्ची के साथ में चित्तौड़ में जो रेप हुआ, वो अभी कभी जिंदगी में मां नहीं बन सकती, ड्यूटी से निकालना पड़ा उसका। पर सरकार की तरफ से कोई सुध लेने वाला नहीं। दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री को जो गंभीरता दिखानी चाहिए, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जो चिंता व्यक्त करनी चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, उसका अभाव मैं देख रहा हूं, वो भी चिंता का विषय है। बलात्कार की बात कही, बच्चियों के साथ बढ़ते हुए अपराध की बात कही। सरकार संवेदनशील है। ये इसी सरकार ने राजस्थान लॉ, राजस्थान अमेंडमेंट बिल 2018 विधानसभा में पेश किया। केंद्र सरकार जिस बिल को अब लेकर आई है उसमें 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार में उम्र कैद का फांसी का प्रावधान, मृत्युदंड का प्रावधान राजस्थान की सरकार ने सबसे पहले किया। हमने उसको कंक्रीट लिस्ट में इसलिए उनको भेजा राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति के लिए। इसी बीच में केंद्र सरकार ने कानून बनाया जिसका हम स्वागत करते हैं। और जहां तक बलात्कार की बात है, 2016 के अंदर 3656 बलात्कार के मामले दर्ज हुए थे, 2017 के अंदर ये घटकर 3305 हो गए। इस प्रकार के संवेदनशील विषय पर राजनीति करना मैं इसको उचित नहीं मानता। ये सही है कि 2014 से 2016 के अंदर राज्य के अंदर अपराधों के अंदर 8.6% कमी आई है, और 2017 की को अगर हम देखें अक्टूबर की से अक्टूबर की करें तुलना, तो 2017 से 2018 की जब मैं तुलना करता हूं तो उसमें भी लगभग 8% की कमी आई है। अपराधों में लगातार कमी आ रही है, परंतु अपराध होते भी हैं, पर अपराधियों को जेल के सीखचे के पहुंचाने के लिए जो संकल्पबद्धता है वो हमारी सरकार की है। विपक्षी पार्टी कहती है कि अपराध प्रदेश में बढ़ा है, सत्ताधारी पार्टी कहती है कि कमी आई है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े इससे अलग हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। एनसीआरबी के आंकड़ों को आधार माना जाए तो हमारे घर के अंदर हालात भयावह हैं। घरेलू हिंसा के मामले में राजस्थान दूसरे पायदान पर है। ऐसी ही स्थिति हत्या, महिला अपराध, मानव तस्करी, अपहरण और अन्य गंभीर अपराधों में देखने को मिल रहे हैं। आज हम देखेंगे चुनावी साल में प्रदेश में क्या है कानून व्यवस्था का हाल। राजस्थान पुरातन काल से ही योद्धाओं और ऐतिहासिक युद्धों के कारण चर्चित रहा है। युद्ध के दौरान कभी भी दुश्मन पक्ष की स्त्रियों के साथ स्थानीय लोगों की ओर से हिंसा के कोई प्रमाण नहीं मिले। कबीलाई संस्कृति के बाद भी स्त्रियों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता रहा है, लेकिन आज की स्थिति राजस्थान के लिए उलट। घरेलू हिंसा के मामले में हम खुद ही हमारी परंपरा को विभत्स कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि घरेलू हिंसा के मामलों में राजस्थान दूसरे नंबर पर। साल 2016 के दौरान राज्य में कुल 13,811 मामले सिर्फ घरेलू हिंसा के दर्ज। घर के अंदर की तस्वीर ही नहीं बल्कि बाहर के आंकड़े भी कम खतरनाक नहीं है। हत्या देश में 8वां स्थान, 1,551 हत्याएं। अपहरण देश में 8वां स्थान, 5,299 मामले दर्ज। बच्चों पर अपराध देश में 8वां स्थान, 4,034 मामले। महिला अपराध देश में 4था स्थान, 27,422 मामले दर्ज। दलित अत्याचार राजस्थान दूसरे नंबर पर, 5,136 मामले दर्ज। साइबर अपराध राजस्थान चौथे नंबर पर, 941 मामले दर्ज। एनसीआरबी ने मेट्रोपॉलिटन शहरों के अपराधों को इस बार अलग से वर्गीकृत किया है। ये वो शहर हैं जिनकी आबादी
20 लाख से ज्यादा है। इन शहरों में आर्थिक अपराध के मामलों में राजस्थान की राजधानी जयपुर दिल्ली से सिर्फ थोड़ी पीछे है। दिल्ली में आर्थिक अपराध के 5,942 मामले सामने आए, जबकि 4,742 मामलों के साथ जयपुर इससे थोड़ा सा ही पीछे है। हालांकि इस साल की बात करें तो चुनावी साल होने की वजह से पुलिस को ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कुछ कमजोर होता नजर आया, जिसकी वजह इस बार प्रदेश में हुए आंदोलन माने जा रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि प्रदेश में अपराध इस साल कम हुआ है, अपराध को कम करने में पुलिस का नियंत्रण रहा है। चुनाव के समय जहां भी फोर्स की जरूरत होगी वहां पर आवश्यकता अनुसार फोर्स तैनात की जाएगी। इस दौरान लोकतांत्रिक तरीके से कोई आंदोलन करे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, बेटर है, अपराध भी घट रहा है, हमारा कंट्रोल है, और जहां जहां हमको लग रहा है कि कोई विशेष हमको फोर्स की आवश्यकता होगी और जैसा जैसा चुनाव विभाग हमसे मांगेगा हम तो निश्चित रूप देंगे। हम स्वयं भी चला करके प्रयत्न करेंगे कि सब जगह हमको पर्याप्त जो फोर्स हमारी होनी चाहिए। राजस्थान में आगामी चुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर भारत निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में लगने वाले पुलिस बल का आकलन और अतिरिक्त पुलिस बल का विवरण तैयार करने, राजस्व क्षेत्र में पड़ने वाले मतदान केंद्रों पर लगने वाले पुलिस बल, संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का आकलन करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। जो राजस्थान के अधिकारी उनकी टीम आएगी, बात करेगी, उसके बाद हम सारे आएंगे, ऑल दी ECI, ठीक है, members and the CEC, but to just get a kind of idea, we had a good discussion. आने वाले समय में होने वाले अपराध और कानून व्यवस्था संबंधी घटनाओं को चुनाव के दृष्टिगत राजनैतिक रंग दिए जाने की संभावना बढ़ने के परिप्रेक्ष्य में ऐसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देश जारी किए गए। अरोड़ा ने वर्तमान में कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ईवीएम, चुनाव संगठित अपराध, जिलों और राज्यों की सीमाओं के अपराध मामलों को लेकर समीक्षा की। पुलिस का दावा तो ये भी है कि चुनावों के समय प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण रखा जाएगा, लेकिन NCRB के अब तक के आंकड़े तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जरूरत है कि इस बार पुलिस सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाए, जिससे शांति के साथ प्रदेश में चुनाव संपन्न हो सके। शरद पुरोहित, जी मीडिया, जयपुर। जी हाँ, चुनावी साल, प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या है हाल, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे, बीजेपी के नेता भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले मेरे सहयोगी जयपुर से सुशांत पारेख मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, माने कि अपराधियों पर, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जो दावे किए गए थे, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार जमीन पर स्थिति सबसे अलग है, सिर्फ ये बातें हैं और धरातल पर सब कुछ खोखला है? देखिए ज्योत्सना, अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है कि राजस्थान में पिछले कुछ सालों के मुकाबले क्राइम रेट में कमी आई है, लेकिन जो संवेदनशील मामले हैं उनमें लगातार इजाफा भी हुआ है। जैसा कि हम अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि महिला अपराधों में अभी भी हम देश में चौथे स्थान पर हैं, हाँ। जो एक चिंताजनक विषय है, बावजूद इसके कि लगातार पुलिस डिपार्टमेंट इस दिशा में कोशिशें कर रहा है। साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती रहा है, पिछले कुछ सालों से लगातार इसमें इजाफा हुआ है, इसमें भी हम देश में चौथे स्थान पर हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस में अभी भी बेड़े में एक बड़ा जो है संख्या बल ऐसा है जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग जानता है, जो साइबर क्राइम के निपटने के तौर तरीकों को अभी भी नहीं समझता है। ट्रेनिंग का दौर चल रहा है, लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन उतने मुकम्मल इंतजाम अभी भी साइबर क्राइम से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस के पास नहीं है। ये एक बड़ी चुनौती होगी। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर बात की जाए तो 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और उसमें भी 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो अति संवेदनशील हैं। उन अति संवेदनशील क्षेत्रों में जो पोलिंग होगी, उससे पहले चुनाव प्रचार होगा, उसके बाद जो मतगणना होगी, उन तमाम व्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए वाकई ठोस रणनीति बनानी होगी। 1 लाख से अधिक का बेड़ा जो है राजस्थान पुलिस के पास है, लेकिन फिर भी दूसरे राज्यों से फोर्स बुलानी होगी। पाकिस्तान से लगती 1,000 किलोमीटर से अधिक की सीमा है, तस्करी की, घुसपैठ की लगातार वहां पर संभावनाएं रहती हैं। खासतौर पर चुनावी समय में कई बार थ्रेट आए हैं, वो भी एक चिंताजनक विषय है।
कई राज्यों से लगती सीमाएं हैं, वहां से भी लगातार बदमाश राजस्थान में आते रहे हैं, उनसे निपटना एक बड़ी चुनौती है। कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी से एक तरीके से बात करें, कोशिशें कब तक होंगी? चुनाव का प्रचार प्रसार जब शुरू होगा, उसमें क्या रणनीति सरकार को अपनानी है या किस तरह की व्यवस्था चाक चौबंद करनी है, वो भी उसके लिए कुछ दिन अभी बाकी है। अब फिलहाल जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है राजस्थान में, अभी फिलहाल आखिरी दिन ही हम कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव होंगे, जनता जवाब दे देगी, क्या पता कांग्रेस वापस आ जाए। फिलहाल अशोक गहलोत तो बड़े बड़े बाण चला रहे हैं ना, वो तो तीर चला रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था ठप पड़ी हुई है राजस्थान के अंदर, कुछ है तभी तो वो कह रहे हैं। और महिला सुरक्षा की जो आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर ठीक है कमी आई है, सिर्फ 12% बहुत ज्यादा तो नहीं है। राज्य की कमान एक महिला के हाथ में है, लड़की के साथ रेप हो जाता है, उसका यूटरस निकाल लिया जाता है, कोई बोलने के लिए आगे नहीं आता। मेरी बात नहीं है, गहलोत की बात है। बिल्कुल, ये भी सवाल है, और एक सवाल ये भी है कि सांप्रदायिक जो माहौल खराब हुआ है राजस्थान में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? चाहे राजसमंद की घटना की बात की जाए, या इसके अलावा जो गो तस्करी के मामलों में हत्याएं हुई हैं, ये राजस्थान की छवि देश और विदेश स्तर पर खराब करने वाली घटनाएं हैं। इन घटनाओं को रोका जा सकता था, ये एक बड़ी चुनौती होगी। जहां तक सवाल ये है कि कब इस दिशा में काम होगा, अभी कुछ दिन पहले बैठक हुई है, चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने अब बैठक ली है, पूरा फीडबैक लिया है, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कितना जाप्ता चाहिएगा, किस तरह की टुकड़ियां चाहिए, बटालियन चाहिए, वो तमाम फीडबैक लेने के बाद अब रणनीति तैयार की जा रही है। सुशांत ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, मुकेश जुड़ गए हैं मेरे साथ। मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बीजेपी की सरकार है इस समय राजस्थान में। मुकेश जी, कहां आंक रहे हैं कानून व्यवस्था के मामले में, कैसा काम रहा आप लोगों का? ज्योत्सना जी, मैं कहना चाहूंगा एनपीआर के आंकड़े भी कह रहे हैं, बता दो कि निश्चित रूप से राजस्थान में क्राइम रेट जो कम हुई है। अच्छा। और रही बात कांग्रेस के नेता की, अशोक गहलोत साहब जो कह रहे हैं, वो तो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं जब वो शासन में थे, जैसे वहाँ राम राज्य था, कोई बलात्कार होता नहीं था, चोरी होती नहीं थी, कोई डकैती होती नहीं थी किसी महिला के साथ, उनके 6-6 मंत्री जो है वो जेल में रहे, और किस मुंह से कह रहे हैं समझ में नहीं आती है बात। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कानून व्यवस्था, पूरे राज्य की कानून व्यवस्था के लिए मोटे तौर पे जहाँ सरकार जिम्मेदार है, तो विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है। जो गंभीर बातें उसको बैठ के बताना चाहिए, उसको बैठ के समाधान की। मुकेश जी, यहाँ पर सियासत नहीं करनी है, मैंने आपको फोन लगाया है ना सियासत करने के लिए नहीं। गहलोत अगर कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस का जब नेता जुड़ेगा, मैं उनसे सवाल कर लूंगी कि क्या आप लोगों के टर्म में इस तरह की वारदातें नहीं हुई? अभी आप अपनी बात कीजिए, कमी क्यों नहीं आई? कमी आई तो नाम मात्र क्यों आई? कमी आई तो नाम मात्र क्यों आई? आप खुद इस बात को समझ रहे ना, कमी आई है, आप खुद कह रहे हैं इस बात को, कमी आई है पिछले 4 साल में, आंकड़ों में कमी आई है, तो निश्चित रूप से कमी आई है। जहां तक बात नफरी की बात है, बहुत सारी चीजें इसमें है, मैं सरकार सुधार के भी 6500 के आसपास हम कांस्टेबल लगा रहे हैं, तो कमी आई है। इस प्रकार काफी चीजें जो हुई उसको हम ठीक करने का आपको आंकड़े पता है सर, एनसीआरबी के आंकड़े पता है आपको? पता है ना मेरे को, बताइए राजस्थान इस समय घरेलू हिंसा के मामले में कौन से पायदान पर है, आप बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि राजस्थान घरेलू हिंसा के पायदान की बात पूरी है, आप बाकी चीजें। अरे सर, मैं क्यों छोड़ दूं आपको, नहीं पता, सुनिए मेरी बात, राजस्थान घरेलू हिंसा के मामले में दूसरे पायदान पर है, बताइए। मैं कहना चाहूंगा आपको कि आंकड़ों की अगर बात करेंगे अपन, तो निश्चित रूप से ऑल ओवर आंकड़े जो कानून व्यवस्था के है उसमें निश्चित रूप से गिरावट आई है। अच्छा। है ना, तो तुलनात्मक अगर देखेंगे अपन, 13-14, 14-15, 15-16 देखेंगे, तो आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो उसमें गिरावट आई है। रही बात तो कुल मिलाकर के सरकार अपना काम करी, और जिस दिशा में हमको माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी एक नीति बना करके जो जो भी घटनाएं राजस्थान में घटी है आप उसको भी देखिए, उसको हमने 100% खोलने का प्रयास किया। हाँ बिल्कुल, देखिए सर, घटनाएं मैंने एटीएम उखाड़ लिए जाते हैं, पूरी कोशिश की जाती है क्योंकि कानून का डर नहीं है। उसमें मुजरिम पकड़े गए हैं उसमें, जोधपुर चित्तौड़ की घटना उन्होंने गहलोत साहब ने उठाए, उसके मुजरिम पकड़े गए हैं। आप जापान के युवती टूरिस्ट बनकर यहाँ पर आती है सर, उसके साथ वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। जितनी भी घटनाएं हुई है उसमें मुजरिमों को पकड़ने का काम राजस्थान ने किया है। बूंदी में 12 से महिलाओं के बलात्कार के मामले आ रहे हैं, मैं रोज खबरें पढ़ रही हूँ सर, मेरा शर्म से सिर झुकता है, और आप कह रहे हैं कि कमी आई है। वो कुछ परसेंटेज को मत देखिए सर, कुछ परसेंटेज को मत देखिए। मैं ये कहना चाहूंगा आपको, परसेप्शन गलत है, मानिए उसको। नहीं, निश्चित रूप से घटनाएं घटी है, उसको रोकने के जितने उपाय सरकार के स्तर पर होने उससे उतनी ठीक है। मुकेश जी, आप देखिए जरा, आरसी चौधरी मेरे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। चौधरी साहब स्वागत है आपका।
मैं अभी मुकेश जी से बात कर रही थी, बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो बार बार यही कह रहे हैं कि कमी आई है, कमी आई है। एनसीआरबी के आंकड़े आप देखिए, कमी आई है, नाम मात्र कमी है। आप विपक्षी हैं, आप अपनी भूमिका मुझे पता है बहुत अच्छे से निभाएंगे जब अभी अपना जवाब देंगे। फिलहाल आप यही बता दीजिए मुझे, सरकार को कहां खड़ा देख रहे हैं कानून व्यवस्था के मामले में? देखिए, सरकार के अंदर गृह मंत्री से लेकर पुलिस प्रशासन के तमाम महकमे के सहित और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वक्ता बार बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि अपराधों का ग्राफ घट रहा है, लेकिन ये तमाम ये झूठे तथ्य पेश कर रहे हैं। एनसीआरबी के अगर आंकड़ों के तहत जाएं तो 2015 के अंदर जहां पे 94,000 मुफ्त में बच्चों पे हुए राजस्थान के अंदर, वही पढ़ के छोड़ा के अंदर 1,00,000 हो गए। दलितों के ऊपर जहां पे 38,000 मुकदमे दर्ज हुए, वहीं पे वो बढ़ के 16 के अंदर जो 2015 के अंदर हुए वो बढ़ के 41,000 हो गए। 12% दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़े। यहां पे शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर जहां पे 6,200 मुकदमे दर्ज हुए, वही बढ़ के 16 के अंदर 6,500 हो गए। वहां पे 10.4% की बढ़ोतरी हुई। आंकड़ा मेरे पास भी है। पुलिस मुख्यालय की आपके टर्म में क्या होता था? जी, देखिए, यहाँ पे जरूरी ये है कि जहाँ पे गृह मंत्री के आदेशों की पालना नहीं होती, सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। और ये बात कही जाए कि आपके समय पे क्या होता था, यहाँ पे सदन के अंदर गृह मंत्री अपने वक्तव्य से झूठे तथ्य पेश कर देते हैं, इससे बड़ी शर्मसार क्या हो सकती है? जो बीजेपी के जो मेरे साथी बोल रहे हैं, अभी जो पुलिस मुख्यालय की जो साइट है, उस साइट पे 2017 और 2018 का जो तिमाही जो रिपोर्ट होती है, उस तिमाही रिपोर्ट के अंदर देखा जाए तो इन पिछले 3 महीने के अंदर 362 हत्याओं के मुकदमे दर्ज हुए और उनकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस असफल रही है। उसके अंदर 2017 और 2018 का अगर कंपेरिजन देखा जाए तो 46.71% की बढ़ोतरी मुकदमों के अंदर हत्या के मुकदमों में बड़ी है। वहीं पे लूट, डकैती के मुद्दों में 400% की बढ़ोतरी हुई है। 2017 की तिमाही देखी जाए और 2018 के आंकड़े ना कोई कांग्रेस के मुख्यालय के आंकड़े हैं। बार बार इस प्रदेश की जनता वहाँ पे प्रतिदिन 24 घंटे के अंदर 10 बलात्कार की घटनाएं हो रही है, प्रतिदिन 40 महिलाएं पुलिस के अंदर जो जा रही है। मुकेश जी का जवाब लेने दीजिए इस पे। जी मुकेश जी, मैं ज्योत्ना जी ये कहना चाहूंगा कि ये कहाँ के आंकड़े बता रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा। अगर ये राजस्थान पुलिस मुख्यालय राजस्थान के आंकड़े हैं, आपको ये आंकड़े गलत लगते हैं तो मुख्यमंत्री से कराइए मुकेश जी। ये राजस्थान पुलिस के तिमाही जो आंकड़े हैं आप उन्होंने डीजी से पूछिए। दिल्ली की साइड तो नहीं खोली आपने? दिल्ली की साइड नहीं, ये राजस्थान की साइड तो आके खोलिए। इसलिए आके आप खोलिए, आप राम राज्य की कल्पना में मुकेश जी आपसे सोचूंगा। चौधरी साहब, मेरे को बात समझ नहीं आ रही, मेरा दर्शक क्या समझ रहा होगा, मुझे समझ नहीं आ रही बात। रुकिए ना, मुकेश जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। मुकेश जी जल्दी बात कंप्लीट कीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपना दायित्व निभा रही है। निश्चित रूप से कहीं जहां भी क्राइम रेट बढ़ी है उसको कम करने का प्रयास करेंगे। जिस रेंज में जहां सब चीजें करने का प्रयास सरकार अपने स्तर पर कर रही है, और इसलिए केवल सामाजिक विषयों को लेकर के हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे कोई भी अपराधी की कोई जाति नहीं, अपराधी का कोई धर्म नहीं है। हम निश्चित रूप से इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जहां जहां की बात हो सकती है उसको करने का सरकार प्रयास कर रही है। सर, जेल से कैदी भी जेल में बैठे बैठे बाहर बैठे शख्स से फोन पे आराम से बात कर रहा होता है, हाल ही का मामला है। सुप्रा जी, इसमें खिलाफ में कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, आप खुद बताइए। कहीं हुआ है तो कर रहे हैं। संभव ही कैसे हो गया सर, संभव ही कैसे हो गया? कार्रवाई तो करनी है, परसेप्शन बनता है ना सर सरकार का। कार्रवाई तो आप करेंगे, पर ये संभव भी कैसे हुआ ये भी बताइए। बरामदगी भी कितनी हुई है, अब कहीं कहीं कोई लकुना तो उसको ठीक किया जाएगा ना। ठीक है सर। सुशांत मेरे साथ जुड़े हुए, सुशांत दोनों की बात आप भी सुन रहे थे, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, रोज आए दिन आप चीजों से दो चार होते हैं, स्थिति क्या है वहां आप खुद बताइए। मैं तो फिर स्टूडियो में बैठी। देखिए ज्योत्ना, बड़ी बात यह है कि जब तक सिस्टम में रहने वाले लोगों की कार्यशैली में सुधार नहीं होगा, कानून व्यवस्था का जो स्वरूप हम चाहते हैं वो नहीं मिल सकता। आप ताज्जुब करेंगी, पिछले साल एसीबी की जो ट्रैप की घटनाएं हुई हैं उनमें पुलिस डिपार्टमेंट सबसे पहले पायदान पर है, यानी पुलिस डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार है वो राजस्थान में पहले नंबर पर है। जब भ्रष्टाचार इस तरीके से अपनी जड़ें जमा चुका हो सिस्टम में, तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है उस पर प्रहार करना, क्योंकि योजनाएं बनती हैं गृह विभाग में पुलिस मुख्यालय स्तर पर, लेकिन उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने वाले जो अधिकारी हैं वो अपना आत्मबल खो चुके हैं। थाना स्तर पर आम आदमी अपनी बात कहने से डरता है, थाने में जाने से डरता है, ये एक बड़ा संकट है। ऐसे समय में जब चुनाव होगा उससे पहले सिस्टम को भी दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। ज्योति मुकेश जी,
चुनावों तक के लिए समय थोड़ा सा कम है, कोई शॉर्ट टर्म प्लान, क्योंकि चीजों को दुरुस्त करना होगा। ये ना हो प्रचार प्रसार में सब लगे हों, भारी भीड़ हो, संबोधन मंच से चल रहा हो और नीचे घटनाएं हो रही हो। मुकेश जी हैं ही नहीं मेरे साथ, आरसी चौधरी मेरे साथ बने हुए, कांग्रेस के नेता हैं जी। आरसी चौधरी जी, क्या वाकई अधिकारी जो हैं वो तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर सख्ती की जरूरत है? हाँ जी, सबसे बड़ी तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पे प्रशासन को जिम्मेदारी लेके बढ़ना चाहिए, आखिर समाज के दायित्व पे छोड़ दिया जाए या किसी दूसरों पे आरोप लगाने से काम नहीं हो सकता। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का स्लोगन देके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, आज वो नारा भूल गए हैं। इनके विधायक ये कहते हैं कि आप जो ये अवैध काम कर रहे हैं वो मेरी वजह से कर रहे हैं, ये वीडियो इनके वायरल हुए हैं। 14 मार्च 2015 को सखी केंद्र महिलाओं की हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक योजना चालू की, उसमें 16 और 17 के अंदर 3,36,21,730 रुपए का बजट सेंक्शन किया राजस्थान को, उसमें से 1 रुपया ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए खर्च नहीं कर पाए और पूरा बजट लिप्स होके केंद्र सरकार को वापिस हो गया। आखिर सरकार की गवर्नेंस कहीं रही नहीं, सत्ता एक जगह पे केंद्रित हो गई है और सरकार आखिर ये जो मेरे साथ भाजपा के बोल रहे थे कि चौधरी जी जब आपकी सरकार रही तब भी हमने राजस्थान का हाल देखा, अगर आप दोबारा से आपकी सरकार बनेगी प्रदेश में तो भी हम देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशांत। महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा घोषणा पत्र में सबसे ऊपर रहता है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो महिलाओं के साथ रेप होते हैं, उनका यूटरस निकाल दिया जाता है, वो मां नहीं बन पाती, उसके साथ गैंग रेप होता है, इस तरह की छेड़खानी होती है कि सर शर्म से झुकता है। एक लड़की होने के नाते मैं बात कर रही हूं। जमीन पर स्थिति कुछ और है, वादों में दावों में दम कुछ और है। चुनाव नजदीक है, क्या समझ पा रहे हैं आप चुनावी साथ? देखिए ज्योत्सना, चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो या पिछले 4-4.5 साल में भाजपा की सरकार, हालात में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। पहले भी घटनाएं होती थी इसी तरीके से, उन पर अंकुश लगाने की कोई रणनीति ठोस अभी भी नजर नहीं आती। ठीक है। सिस्टम में दरअसल जो लोग बैठे हैं वो योजनाएं बनाने और उसे इंप्लीमेंट करने के बीच की जो कड़ियां हैं उसमें भारी गैप है, उसे दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। और खास तौर पर जब चुनावी वर्ष है, ये सारे मुद्दे जनता पूछेगी नेताओं से, इन सवाल करेगी, तब इनके पास शायद जवाब नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कानून व्यवस्था को लेकर अभी से कड़े कदम उठाने होंगे राजस्थान पुलिस को, ताकि विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में हालातों को बिल्कुल प्रधानमंत्री सुशांत कहते हैं कि महिला विकास की नहीं, महिला के नेतृत्व में विकास की बात कीजिए, और यहां पर तो महिला का नेतृत्व था। ठीक है, आंकड़ों में भी हम देख रहे हैं कमी आई है, पर कमी बहुत कम आई है। अगर कमी थोड़ी और ज्यादा आई होती तो शायद तस्वीर थोड़ी और अच्छी होती। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत के लिए। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।